और ये नियोजन नीति पहली बार रद्द हुई है ऐसी बात नहीं है। पूर्व में कई बार नियोजन नीति उच्च न्यायालय के द्वारा रद्द किया गया है और बड़ा दुर्भाग है यहाँ के नौजवानों का, जहाँ आज ये थर्ड ग्रेड फोर्थ ग्रेड में भी रोजगार पाने में असफल हो रहे हैं। इसको लेकर यहाँ के मूलवासी आदिवासियों के हक में जो हम लोगों ने नियोजन नीति बनाया था उसको रद्द कर दिया गया, लेकिन हमें इस बात की अंदेशा था कि पूर्व के उदाहरण को ध्यान में रखकर हम लोग आगे बढ़ भी रहे थे। कुछ ऐसी शक्तियां हैं इस राज्य जो एन केन प्रकार यहाँ के मूलवासी आदिवासियों के अधिकारों को छीनने का प्रयास कर रही है, और आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि इस उच्च न्यायालय में जिन लोगों ने अपनी आपत्ति दर्ज कराई थी, लगभग 10 लोगों ने इसका शिकायतकर्ता बने, 20 लोग, और 20 लोगों में एक को छोड़कर बाकी सभी 19 लोग दूसरे राज्यों से वाकिफ रखते थे। और बड़ा दुर्भाग्य की बात है, झारखंड का नियोजन नीति से दूसरे राज्य के नौजवानों के और दूसरे राज्य के लोगों को बहुत तकलीफ हो रही है। इसीलिए नवंबर माह में हम लोगों ने 1932 आधारित स्थानीय नीति और नियोजन नीति बनाने का विधेयक पास किया था, ओबीसी को 27% आरक्षण देने का विधेयक भी पास किया था, जो अनुमोदन के लिए राज्यपाल महोदय के पास पहुंचा हुआ है, और उसमें